Hi guys, welcome to MB's Man Cave and welcome to another episode of Whiskey Wednesday. Meri favorite series, in fact, sab kuch hi favorite hai mera because it's like a dream job for me. Bhai, दारू पीने को मिल रही है, आप लोगों को एंटरटेन भी कर रहा हूँ मैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है लाइफ में. कुछ चीज़ें हैं जो और अच्छी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी फेवरेट हैं और आपको ट्राई करने को मिलती हैं, जैसे कि आज के विस्की वेंसडे में हम ट्राई करेंगे जेमिसन ब्लैक बैरल. जी हाँ, जेमिसन इज़ अ विस्की जो बहुत ही क्लोज है मेरे दिल के. मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मेरा आई वुड से कि जो विस्की का प्यार है विस्की को लेकर, उसकी शुरुआत हुई थी जेमिसन से. इस चैनल की जो शुरुआत हुई थी जेमिसन, इट वाज माय फर्स्ट रिव्यू. और आज हम कर रहे हैं जेमिसन की एक नए वेरिएंट का रिव्यू, जेमिसन ब्लैक बैरल. एज ए सेड, आई जस्ट लव वर्किंग ऑन दिस चैनल क्योंकि आई लव विस्की, आई लव ट्राइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ विस्की और ट्राई करके आप लोगों को बताना कि मुझे क्या लगता है, मेरी जो नॉलेज है आप लोगों से शेयर करना. बट अगर शायद ये चैनल ना भी होता, इवन देन आई वुड हैव बीन जस्ट एज मच पैशनेट अबाउट विस्की एज आई एम टुडे. और आई लव कलेक्टिंग विस्कीज, काफ़ी कलेक्ट करना मुझे काफ़ी पसंद है. आप लोगों को दिखाऊंगा मैं अपना करंट कलेक्शन, काफ़ी रिक्वेस्ट आती है मुझे. डोंट वरी, आई विल मेक अ वीडियो वेरी सून. बट आई कीप गोइंग टू शॉप्स, हर महीने दो महीने में मैं कई बार लिकर स्टोर्स में जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या नया आया है. कुछ क्लासिक ब्रांड्स दिखती हैं जो इंडिया में पहले नहीं आई थी, कुछ लॉन्च होती हैं, जैसे कुछ बर्बन्स लॉन्च होती हैं इंडिया में. और कभी कभी कोई ऐसी बॉटल्स मुझे दिख जाती हैं जिनको देख के ही खड़ा, बॉटल्स काफ़ी ऊपर होती हैं तो खड़े होके देखना पड़ता है. समझ जाओ यार, बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं. बट यस, एक्साइटेड होने वाली बात ही है बिकॉज जेमिसन ब्लैक बैरल, अ न्यू लॉन्च इन इंडिया. जेमिसन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. जेमिसन कास्टमेट्स मैंने ट्राई करी थी एंड नाउ वी हैव अ न्यू वेरिएंट ऑफ जेमिसन, जेमिसन ब्लैक बैरल. क्या डिफरेंट है इसमें, वो तो ज़रूर जानेंगे हम. बट उससे पहले पोर कर लेते हैं इसे, बिकॉज एक नई बॉटल है और वो अनकॉकिंग की जो मधुर आवाज़ है वो भी सुन लेते हैं. ये प्लास्टिक का जो रैपर है, काफ़ी मुश्किल है इसे खोलना. ओके, प्लास्टिक रैप खुल गया है फाइनली, लेट्स ओपन द कॉक. यहाँ पे भी एक छोटी सी सील है, करते हैं इसकी अनकॉकिंग, आवाज़ सुनते हैं ज़रा. आवाज़ कोई इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं आई, बट लेट्स पोर इट. आई एम श्योर कि विस्की ज़रूर ज़बरदस्त होगी, काफ़ी उम्मीदें हैं मेरी इस विस्की से. सो ब्लैक बैरल विस्की, विस्की विद एन ई, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि आयरलैंड में जो विस्कीज बनती हैं उनकी स्पेलिंग में ई भी आता है, सेम फॉर बर्बन विस्कीज जो यूएसए में बनती हैं. क्या रीज़न है उसके पीछे, कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं है, बट इफ़ यू गाइज वॉन्ट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक और मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि क्या डिफरेंस है. बट वट इज डबल बैरल एग्जैक्टली, एक नया एक्सप्रेशन है जेमिसन की तरफ से, एक स्मॉल बैच एक्सपेरिमेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना गया है इसे. इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन एंड इफ इट्स सक्सेसफुल मे बी वो एक बड़े स्केल में इसे बनाएंगे. बट जो रेगुलर जेमिसन हम पीते हैं, आई वुड प्रॉब्ली से दैट इट्स अ वेरी नाइस बिगिनर विस्की. इट्स समथिंग विच एनी वन कैन ईजिली ड्रिंक. ऐसे लोग जिनको विस्की पसंद भी नहीं है वो भी पी सकते हैं, और ये मैंने बोला भी था अपने फर्स्ट वीडियो में. बट आई थिंक डबल बैरल जो विस्की है, इट्स काइंड ऑफ अ विस्की जो सुनने में मुझे ऐसा लगता है कि जेमिसन वॉन्ट्स टू मेक अ विस्की विच इज़ टारगेटेड टूवर्ड्स पीपल जो जिनको मैच्योर विस्कीज पसंद है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स विस्कीज पसंद हैं. बिकॉज इस विस्की के अंदर ज़्यादा पॉट स्टिल विस्की यूज़ करी गई है. पॉट स्टिल यानी कि देर इज़ मोर मॉल्ट यूज इन दिस विस्की, मोर बार्ले यूज इन दिस विस्की.
और ग्रेन की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी गई है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर जेमिसन। एंड ऑफकोर्स 3 बार डिस्टिल किया गया है इसे, जो ऑलमोस्ट सारी आयरिश विस्कीज में होता है, बट जेमिसन थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करते हैं उसे। ट्रिपल डिस्टिल्ड आप देखेंगे जेमिसन की विस्कीज में लिखा होता है अक्सर। और दूसरा डिफरेंस जो है इस विस्की में, और उस रीज़न की वजह से इस विस्की का नाम भी रखा गया है ब्लैक बैरल, इज बिकॉज जो बैरल्स यूज़ करे जाते हैं इस विस्की की एजिंग के लिए, अमेरिकन बर्बन कास्क, जब बर्बन विस्की एज होती है फ्रेश ओक बैरल्स में, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अपने स्कॉच वर्सेस बर्बन वाले वीडियो में कि बर्बन विस्कीज एज होती हैं फ्रेश न्यू कास्ट में, जो अंदर से जले होते हैं, चार्ड होते हैं, जिसकी वजह से विस्की में एक कैरमल के, वनीला के जो हनी नोट्स आ जाते हैं। और एक बार यूज़ होने के बाद उन बैरल्स को स्कॉटलैंड में या आयरलैंड में भेज दिया जाता है, बिकॉज बर्बन विस्कीज में जो कास्ट यूज़ होते हैं वो एक ही बार यूज़ हो सकते हैं। और जब वो कास्ट पहुँचते हैं जेमिसन के पास, जेमिसन उन कास्ट को यूज़ करने से पहले एक बार दोबारा जलाते हैं अंदर से और चार्ड कर देते हैं, ताकि जो वुड के वो एलिमेंट्स जो पहले यूज़ नहीं हुए फॉर द बर्बन विस्की वो यूज़ हो जाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ शेरी कास्क में एज्ड विस्की भी यूज़ करी गई है, ब्लेंड की गई है इस विस्की को बनाने में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग जो एक नॉर्मल बटरी स्मूथनेस होती है जेमिसन, उसके साथ साथ आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सम अमाउंट ऑफ स्पाइस। ऑल्दो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा शेरी कास्क का यूज़ किया गया होगा इसके अंदर, बट मे बी जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइसीनेस, जस्ट टू गिव इट अ बिट मोर कॉम्प्लेक्सिटी, अ बिट मोर डेप्थ। और इसीलिए मैंने बोला था कि शायद ये विस्की के थ्रू टारगेट किया जा रहा है थोड़े एडवांस विस्की ड्रिंकर्स को। और प्राइस भी थोड़ा बढ़ा के रखा गया इस विस्की का, इट कम्स फॉर ₹2880 फॉर द बॉटल इन दिल्ली। आई पर्सनली फील कि जेमिसन जो रेगुलर जेमिसन है, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड विस्कीज इन दैट प्राइस सेगमेंट। मुझसे कोई भी अगर पूछता है कि कौन सी विस्की लें, आई ऑलवेज रिकमेंड देम जेमिसन, बिकॉज इट्स अ वेरी ईजी रिकमेंडेशन। और जेमिसन से ऑलमोस्ट ₹1000 ज़्यादा प्राइस रखा गया है इसका। आई वुड नॉट से कि कोई बुरी बात है, हो सकता है कि विस्की इतनी अच्छी हो, एंड आई एम होपिंग, आई एम रियली रियली होपिंग, आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि अच्छी होगी, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ जेमिसन। एंड आई वुड से अगर 2800 में एक अच्छी कॉम्प्लेक्स विस्की आपको मिल रही है, दैट इज़ प्रॉब्ली नॉट अ बैड ऑप्शन। बट क्या सच में इतनी कॉम्प्लेक्स है, सच में इसका टेस्ट इतना अच्छा है अगर हम कंपेयर करें रेगुलर जेमिसन से, लेट्स फाइंड आउट। सो एज आई कैन सी काफ़ी लाइट बॉडीड विस्की है ये, जो लेग्स हैं इसकी कोई ज़्यादा स्टिक नहीं हो रही है ग्लास से। बेयर मिनिमम 40% अल्कोहल परसेंटेज के साथ आती है, जो ऐसे से बेयर मिनिमम है। अच्छा लगता है जब थोड़ी एक्स्ट्रा अल्कोहल परसेंटेज मिलती है किसी विस्की में, बट नहीं है तो नहीं यार, कोई गल नहीं। एंड यस, इसमें भी कलरिंग का यूज़ करा गया है, सो आई विल नॉट जज द कलर, बट लेट्स डू द नोजिंग। क्या महक है विस्की में, रियली नाइस विस्की टू नोज। दैट सेम बटरी, दैट बटर स्कॉच नोट्स जो रेगुलर जेमिसन से आते हैं, बट आई एम गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ कैरमल, वेरी नाइस अमाउंट ऑफ कैरमल इन दिस। स्लाइटली फ्लोरल नोट्स मुझे आ रहे हैं हल्के हल्के से, अगेन दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर जेमिसन। वेरी डेलिकेट नोट्स, एंड नोट से लग रहा है कि एक स्वीट विस्की है, आपको पीने की भी जरूरत नहीं है जज करने के लिए, यू कैन टेल इट जस्ट बाय द नोज दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्वीट विस्की। एंड ऐसा कोई नोट मुझे निकल कर नहीं आ रहा जो जो डोमिनेंट है इस विस्की में, इट्स वेरी लाइट बटर स्कॉच कैरमल हनी अ बिट ऑफ फ्लोरल नोट्स जो मुझे आ रहे हैं इसमें से, डेफिनेटली सीम्स क्वाइट इनवाइटिंग। चलिए टेस्ट करके देखते हैं।
कमाल है सच में. दे हैव डन इट वंस अगेन. दिस इज जस्ट रबड़ी फलूदा जैसे टेस्ट है इसका. वेरी नाइस, वेरी लाइट एंड वेरी स्वीट. बहुत स्मूथ है. प्रॉबेबली इट डज फील लाइक अ यंग विस्की. एजिंग आई डोंट नो कितने टाइम की एजिंग कराई गई है इसे, बट दैट्स प्रॉबली द ओनली निट पिक आई कैन थिंक इन दिस विस्की. यू डू फील अ बिट ऑफ स्पाइसीनेस, बट स्पाइसिस कोई ऐसे नहीं है इसमें जो आप बोलेंगे कि स्पाइस हैवी विस्की है. जैसे कि अगर मैं आर्टबेक की बात करूँ या टैलिस्कर की बात करूँ या इवन देर आर सम स्पेस साइड विस्कीज विच कम्स विद सम नाइस स्पाइस, बट दिस इज नॉट अ स्कॉच विस्की. दिस इज एन आयरिश विस्की एंड आई थिंक आयरिश विस्कीज मैं नॉर्मली ट्राई करता हूँ दे आर मोर lighter on the palate and this does feel like a light Irish whiskey. Definitely there are some complexities इस whiskey में. एक depth है जो depth शायद आपको regular Jameson में नहीं मिलेगी, but at the same time this is very different from the regular Jameson that we drink. Doesn't mean that it's a bad whiskey. It is an amazing whiskey. I don't know कि इस whiskey को किससे compare किया जा सकता है. I would not compare it with regular Jameson या even Jameson Caskmates because those two whiskies they have a very distinct flavor. इसका भी distinct flavor है, but you cannot compare it to any other whiskey. अगर आप जाते हैं store में इस price range की whiskies की अगर मैं देखूँ तो you can probably get something like Black Label या Chivas Regal. And if you buy those whiskies, I would not say कि वो बुरी whiskies हैं, but you are not getting anything new. But with this whiskey, you will get to taste something new, and it is in the end a very nice whiskey. अब अगर बात करें scoring की और पहले बात करते हैं taste की, तो taste के मामले में I have nothing to say but to show you this glass जो मैंने already खाली कर दिया है. It was a really nice whiskey. Nice. Not as nice as the best whiskies जो मैंने आज तक taste करी हूँ, but it is still a very nice whiskey. And I'll give it 9.4 out of 10. I think 9.4 is definitely a good score for this. अगर बात करें value for money, I think 2880 rupees is not a bad price for this whiskey. I mean, of course, age statement अगर होती शायद तो ज़्यादा और अच्छा लगता मुझे इस whiskey को देख कर, because शायद ये मुझे कहीं थोड़ी खामी लगी इसके अंदर कि एक mature whiskey का जो taste है वो मैंने expect किया था, but शायद इतना ज़्यादा नहीं मिला, शायद मेरी expectation ज़्यादा थी, but it's still a good whiskey nonetheless. चाहे जितना भी शिकायत मैं बोल रहा हूँ, it's still a very nice whiskey. So I'll give it 9.2 out of 10 for value for money. So इसका MB's Man Cave score होता है 9.3 out of 10. So दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो Jameson Black Barrel के ऊपर. कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा. Jameson मेरी फेवरेट whiskey है, आई एम श्योर आप में से भी कई लोगों की फेवरेट whiskey होगी. तो अगर आपने ट्राई करी हुई है ये, देन लेट मी नो. अगर आप मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे, देन आई वुड से कि गो यार, लेके आओ, पियो मैच, पियो. इट इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट whiskey. तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रिय मित्रों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए सलांते.